कैसे हो आप सब? आप लोग को याद आती है हमारी? हाँ, हम लोगों को तो आपकी बहुत याद आती है। आपको पता है, आज एक स्टूडेंट हमसे मिलने आए थे। हम लोग इतने खुश हुए, वो होमवर्क दिखाया हमको, फिर उसने कलर किया था वो दिखाया। मैं चाहती हूँ कि अभी और बच्चे भी मुझे फ़ोटोज़ भेजे, और भी बच्चे हो जो मुझे मुझसे बात करने के लिए फ़ोन करें। हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे अप्रिशिएट करते हो हमारे काम को। आप ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करिए तो हम लोग और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाएंगे, है ना? तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं, और सबसे पहले उससे जब हम स्टडीज शुरुआत करें उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, आप कैसे समझाएं। तो आपको अगर नहीं समझ आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, है ना? वैसे तो हम लोग अब सभी इजीली ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कॉल कर दीजिए, ठीक है? तो हम लोग शुरू करें। तो आज हम बताएं कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाला है पता है? सबसे पहले हम लोग फीलिंग सीखेंगे, टच फीलिंग। हम लोगों को टच करके कैसा लगता है चीज़ें को टच करके, जैसे कि सॉफ्ट एंड हार्ड। फिर दूसरा है टेस्ट, एंड तीसरा है साउंड। ओके, उसके रिगार्डिंग हम हमारी बुक में से एक एक्टिविटी भी करने वाला है, एक एक्सरसाइज भी सीखने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। आपको पता है हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब जो सख्त होता है, जिसको हम ऐसे दबा नहीं सकते। जैसे कि ये लॉक है, देखो ये लॉक क्या है? हार्ड है। ऐसे हम लोग दबाए, नहीं दब रहा है ना, तो ये हार्ड हुआ। फिर ये ग्लास, देखो ये ग्लास को हम दबा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं हुआ ना, तो ये हार्ड है। फिर ये वुडन का बॉक्स है, देखो इसको मैं ज़ोर से दबा रही हूँ, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो इसको हार्ड बोलते हैं। ये चीज़ हार्ड है, दिस थिंग इज वेरी हार्ड। ओके, और उससे भी हार्ड है ये लॉक। फिर हम लोग सॉफ्ट सीखेंगे। देखो आपने ब्लैक ब्लैक बालू तो देखा होगा बेयर, है ना? आपके पास जो टेडी बेयर होते हैं वो पिंक कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के ऐसे होते हैं, क्योंकि वो खिलौने होते हैं, इसलिए टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉयज। उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट टॉयज। तो ये हुआ सॉफ्ट, सॉफ्ट है ना, तो ये सॉफ्ट है, इसको हम दबा सकते हैं, अच्छे से छू सकते हैं, है ना? फिर ये दुपट्टा, देखो मैंने दबाया, दब गया, ये सॉफ्ट हुआ, है ना? तो ये दो चीज़ें हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। ये सारी चीज़ें हमारे बुक के रिलेटेड है, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। ओके, जो बुक में है वही आपको सीखना है। तो अभी फिर आप लोग जब स्कूल आओगे तब हम आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे। ओके, फिर आता है टेस्ट के ऊपर। देखो कौन सा फ्रूट है? ये एप्पल है ना। एप्पल भी दो टेस्ट में आते हैं, एक होता है स्वीट एंड एक होता है सॉर। स्वीट मतलब मीठा मीठा, और सॉर मतलब खट्टा। तो कौन सा टेस्ट हुआ? ये स्वीट एंड सॉर। फिर ये कौन सा फ्रूट है? पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट कैसा होता है? आपने खाया है ना, उसका जूस पिया है ना, छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसके, रेड कलर के, है ना? तो ये सॉर होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। ओके, फिर ग्रेप्स। ग्रेप्स तो आपको सबको पसंद है, ब्लैक कलर की ग्रेप्स, फिर ये ग्रीन कलर की ग्रेप्स। ग्रेप्स कैसी होती है? स्वीट भी होती है और सॉर भी होती है, मीठी भी होती है और खट्टी भी होती है। और ये क्या है पता है आपको? बिटर गॉर्ड। ये क्या है? बिटर गॉर्ड। ये एक वेजिटेबल है। ये कैसी होती है पता है? इसका स्वाद, इसका टेस्ट बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, जो आपको किसी को पसंद नहीं आता, है ना? फिर देखो ये क्या है? दवाइयाँ, है ना? ये दवाइयाँ भी आपको कड़वी कड़वी लगती है ना, नहीं पसंद आती है ना, जब आपको बुखार सर्दी होती है। ये कड़वी है, मतलब बिटर है। ओके, फिर हम लोग और स्वीट चीज़ें देखेंगे। देखो ये क्या है? मिठाइयाँ। मिठाइयाँ कैसी होती है? स्वीट स्वीट होती है ना, तो उसका स्वाद कैसा है? स्वीट। फिर नमकीन आती है, आपको पसंद है ना चाय के साथ खाना, फिर नमकीन आती है, ऐसे अलग अलग स्वाद होते हैं, ठीक है? अभी हम लोग साउंड देखेंगे। आपको साउंड कैसा महसूस होता है, आपको कौन सा साउंड पसंद है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं अभी आपको अलग अलग साउंड दिखाऊंगी, सुनाऊंगी आपको, आप फिर मुझे बोलना फ़ोन करके, मुझे मैम वो वाला साउंड अच्छा लगा। देखो ये मम्मी पूजा करती है ना, तो आप लोग साथ में बैठ के पूजा करते हो ना? हाँ, डेली आपको मम्मी के साथ
गॉड को प्रेयर करनी है, गॉड को प्रेयर करनी है, मुझे हेल्दी बनाना गॉड, मुझे अच्छे से बड़े कर देना, मम्मी पापा को अच्छे से खुश रखना, ऐसी प्रेयर करनी है डेली। गॉड है ना बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं, तो आपको कुछ चाहिए ना तो गॉड को बोलना, आपको ला के देंगे। ठीक है, तो ये क्या है साउंड, इसका अच्छा लगा आपको? लगा अच्छा? अभी नया साउंड देखेंगे हम। अब आप लोगों तो पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों को मम्मी कहाँ पे भेजती है पता, बाल मंदिर भेजती थी, बालवाड़ी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे ना हम लोगों को डेली खिलाते हैं, फिर नए नए छोटे छोटे गाने सिखाते हैं, तो तब नया कैसा मैंने बजाती थी अंजलि। इसका साउंड अच्छा लगा आपको? हाँ, अभी नया साउंड देखेंगे। ओके, देखो ये आप भजन कीर्तन सुनने गए हो, वहाँ पे ऐसे बजाते हैं ना, पसंद आया ये साउंड? कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? अभी दूसरी मैम आपको और एक साउंड देखी सुना के देगी, है ना? ये क्या है बच्चों? शंग है, अभी मैं इसको बजाऊंगी। अच्छा लगा आपको? वंस अगेन, आपने अभी आपने इसका साउंड सुना है ना, ये शंख है। जब हम मंदिर में जाते हैं तब पुजारी बजाते हैं ना, तो ये शंख है। ओके, इसका साउंड पसंद आया आपको? हाँ, तो अभी हम लोगों ने कितनी चीज़ें सीखी, एक तो सॉफ्ट हार्ड, दूसरी टेस्ट एंड तीसरी साउंड। ओके, तो साउंड में आपको डिसाइड करना है कि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा साउंड पसंद है ना। तो अभी हम लोग अब हमारी बुक में देखेंगे एक्सरसाइज। कैमरा को तो दिखा है, चलो अभी हम लोग हार्ड एंड सॉफ्ट की एक एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे लिखा है सर्कल द थिंग्स डेट आर सॉफ्ट टू टच, सर्कल द थिंग्स डेट आर सॉफ्ट टू टच। इसका मतलब है जो भी यहाँ पे सॉफ्ट चीज़ है उसको हमें सर्कल करना है। मैंने सिखा है ना अभी, जो चीज़ों को हम लोग दबा सकते हैं वो सॉफ्ट होती है। सबसे पहले ये रोज़ है, फ्लावर है ना, तो रोज़ की पत्तियाँ जो होती है पंखुड़ी वो तो नरम नरम होती है ना, तो वो सॉफ्ट हुआ ना, तो इसके ऊपर हमें ऐसे सर्कल करना है। फिर ये क्या है देखो, जिससे मैम लिख रही है ये पेंसिल है, पेंसिल कैसी है देखो, हार्ड है ना, तो इसके ऊपर सर्कल नहीं करना है। ये क्विल है, क्यू फॉर क्विल, क्विल तो नरम नरम होते हैं पंख जो होते हैं वो, तो इसके ऊपर हमें ऐसे सर्कल करना है। देखो मैंने टेडी बियर की बात की थी ना, तो टेडी बियर जो हमारे पास सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका नाम ही सॉफ्ट टॉयज है, मतलब वो सॉफ्ट है, तो उसके ऊपर ऐसे सर्कल करना है। फिर ये क्या है पता है आपको, जब आप मंदिर में पूजा करते हैं तब मम्मी दिया जलाते हैं ना, तो उसके अंदर जो रुई होती है ना वो इससे बनती है, ये कॉटन है, क्या है, कॉटन फ्लावर है ये, इसको कॉटन फ्लावर बोलते हैं, तो इस कॉटन फ्लावर भी नरम होते हैं, तो इसके ऊपर भी सर्कल करना है क्योंकि ये सॉफ्ट है। अभी ये क्या है पता है आपको, ये स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर, ओके, रॉक मतलब पत्थर। ऐसे नई नई चीज़ें, नए नए वर्ड्स हमको सीखते रहना है। तो ये पत्थर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते नहीं, वो बहुत हार्ड होते हैं, इसके लिए इसके ऊपर हमें सर्कल नहीं करना है। फिर ये क्या है पता है, ये ब्लॉक है, ओके, तो ब्लॉक कैसे होते हैं, वो तो मिट्टी से बने होते हैं, वो हार्ड होते हैं, इसके लिए इसके ऊपर हमें सर्कल नहीं करना है। ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको छू के आप महसूस करके आप मम्मी को बता सकते हो कि कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी चीज़ हार्ड है। ओके, अभी नया स्वीट एंड सॉर, स्वीट एंड सॉर वाली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे लिखा है सर्कल द थिंग्स डेट आर स्वीट टू टेस्ट, इसका मतलब है जो चीज़ें स्वीट होती है यहाँ मतलब मीठी होती है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। ओके, तो ये क्या है, चॉकलेट, सबकी फेवरेट चीज़ है ये तो, है ना, तो ये चॉकलेट है। चॉकलेट कैसी होती है, तीखी होती है, हाँ बिटर होती है, नहीं ना, वो तो स्वीट स्वीट होती है। इसका मतलब क्या है, स्वीट के ऊपर सर्कल करना है, तो मतलब इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। ओके, ये क्या है पता है, ये वेजिटेबल है, कौन सी वेजिटेबल है पता है आपको, चिली है ये, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली तो सबसे तीखी होती है ना,
तो ये स्वीट नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर हमें सर्कल नहीं करना है, ये तो कैंडी है ना, आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो सबको बहुत पसंद होती है, स्वीट स्वीट है ना, तो ये भी स्वीट है, तो इसके ऊपर भी हमें सर्कल करना है, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग चिप्स पे, यहाँ पे लिखा है CHIPS चिप्स, आप जो वेफर खाते हो ना उसको चिप्स बोलते हैं। चिप्स मीठी होती है, स्वीट होती है? नहीं, वो तो नमकीन होती है ना, तो इसके ऊपर हमें सर्कल नहीं करना है। फिर आता है कपकेक, ये पेस्ट्री है, पेस्ट्री तो स्वीट स्वीट सबको पसंद आती है ना, चॉकलेट फ्लेवर वाली, वेनिला फ्लेवर वाली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली है ना, ये सब तो स्वीट होती है, तो आपको पसंद आती है ना, तो स्वीट चीज़ पे ऐसे सर्कल करना है। फिर आता है लेमन, देखो ये लेमन कैसा होता है, उसका तो सबसे खट्टा स्वाद होता है ना, सौर होता है, तो इसके ऊपर हमें सर्कल नहीं करना है, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हमें से स्वीट चीज़ पे सर्कल करना है। अभी ये क्या है, सबकी फेवरेट लॉलीपॉप कैंडी, ये तो सबको पसंद है, कैसी होती है, स्वीट स्वीट होती है ना, तो हमें इसके ऊपर सर्कल करना है, क्योंकि ये स्वीट है ना। अभी जो तीसरी एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, वो आपको खुद से करनी है, सर्कल द साउंड्स डेट यू लाइक टू हियर, सर्कल द साउंड्स डेट यू लाइक टू हियर, मतलब जो भी साउंड आपको पसंद आता हो सुनने के लिए उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो पसंद होगा साउंड उसको मैं सर्कल करूँगी, आपको जो पसंद आए वो आपको मम्मी को बोलना है, मम्मी मुझे तो ये साउंड पसंद है, ओके। फिर बुक्स आ जाएगी, तब आप बुक में खुद से करना एक्सरसाइज। देखो ये छोटा बेबी है, रो रहा है, कैसे रो रहा है, देखो चिल्ला चिल्ला के, आपको उसकी साउंड पसंद है? मुझे तो पसंद है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उसकी साउंड पसंद है, ये तो बहुत जोर से रो रहा है देखो, तो इसकी साउंड तो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं इसके ऊपर सर्कल नहीं करूँगी। देखो यहाँ पे दो बर्ड्स कितना मधुर मधुर गीत गा रहे हैं, देखो यहाँ पे साउंड भी जा रहा है देखो, तो मुझे ये साउंड तो बहुत पसंद है, मैं तो इसके ऊपर सर्कल करने वाली हूँ है ना। अब ये देखो मंदिर की घंटी, मैंने सुनाई ना कब, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, तो मैं इसके ऊपर सर्कल करूँगी। आपको जो साउंड पसंद हो, जब आपके पास अभी एक वीक के अंदर बुक आ जाने वाली है, तो आपको आपकी बुक के अंदर ऐसे सारी एक्सरसाइज करनी है, ओके। फिर आता है ये देखो डॉगी कैसे जोर जोर से बार्किंग कर रहा है, देखो कितना जोर जोर से वाऊ वाऊ कर रहा है, मुझे तो इसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तो इसके ऊपर सर्कल नहीं करने वाली है ना। आपको छोटे पप्पीज की साउंड पसंद हो तो आपको अच्छी लगती हो तो ठीक है। फिर ये क्या है, ये व्हीकल में आता है, ये क्या है, ट्रेन है, ट्रेन की साउंड्स पसंद है आपको? मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद है, लिटिल बिट, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको ऊपर सर्कल नहीं करूँगी। आपको जो चीज़ पसंद हो वो आप इमेजिन करना और मम्मी के साथ डिस्कस करना, ओके। आपको समझ में आ गया होगा हार्ड एंड सॉफ्ट चीज़ें। फिर आता है टेस्ट वाला, फिर साउंड वाला है ना। आप जब स्कूल आओगे, आपके पास बुक होगी, तो आप बुक में भी देखना, हम लोग आपको स्कूल में भी सब सिखाने वाले हैं, ओके। तो आप अच्छे से घर पे लिखना, फिर आपको समझ में ना आए तो मुझसे पूछना, डेली प्रैक्टिस करनी है और वीडियोस को बार बार देखते रहना है, आप देखोगे तभी आपको याद रहेगा बच्चों, है ना। और लिखने की भी प्रैक्टिस करना है, तो इससे आपकी ग्रिपिंग छूटेगी नहीं, आपको सुनते रहना है तो आप बोल पाओगे अच्छे से, ओके। थैंक यू।